वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। मैं राज कुमार यदुवंशी आपके सामने एक नई उम्मीद के साथ। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 5 का सी, जिसे हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली लाइव क्लास में आपने देखा था इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से क्वालिटी खराब हो गई थी। जी हाँ बिल्कुल, ये 40 से 45 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल करेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, अगर पूरा देखेंगे तो प्रॉमिस है कि आपको पक्का समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा रिपीट करिएगा, कमेंट करिएगा और कंप्लेन करिएगा। नंबर दिए गए हैं, आपको फिर से समझाया जाएगा, एक बार नहीं हजार बार समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये सीरीज क्या दी गई है, 5+8+14+22 पदों तक। पद मतलब होता है टर्म, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें आप, ये आपको याद करना होगा, योगफल एस इक्वल एन एफ आन टू 2a+n-1 × d। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए और इसको आपको हर एक योगफल वाले में लगाना होगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले दो चंद लाइनें आपके लिए। चाहते हो अगर जमाने से रोशनी की चाहत, रखते हो अगर जमाने से रोशनी की चाहत, तो खुद सबनम बन जाने का हुनर रखिए। खुद पहचान लेगा ये जमाना, अपने किरदार को इतना बुलंद रखिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप अपने किरदार को बुलंद रखिए, मतलब कहने का ये है आप कामयाब हैं, आप ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपको जमाने में पोस्टर लगा के प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी कि हम ये हैं वो हैं। खुद आप लोग को पहचानने वाले आ जाएंगे, समझ रहे ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और हाँ एक बात और बता दें उसके पहले, सबनम बन जाने का मतलब जान रहे ना, कमेंट करिएगा अगर नहीं जानते तो। देखिए इसमें जो जो दिया उसको लिख लेंगे पहले। पहला पद क्या है, a=5 जो सबसे पहले दिया है वो पहला पद होता है। इसमें कॉमन डिफरेंस भी दिया है, सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। देखिए मैं निकाल के इधर दिखा देता हूं, सार्वांतर क्या होता है जानते हैं ना। अरे भाई दूसरा पद से पहला पद घटाओ जो आए, तीसरा पद से दूसरा पद घटाओ जो आए, वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो 8 से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा ना। अगर आप 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, कुछ गड़बड़ है का, इसमें 11 भी था ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सीरीज नहीं बनेगा। हाँ 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 14 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब कि सर्वांतर हमेशा क्या है, 3 है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, d=3 दिया है, 3 बिल्कुल फुल HD क्वालिटी दिख रहा है बाबू, आज कोई कंप्लेन नहीं होगी किसी की। ये आ गया 3 ना, और का दिया है, यन भी दिया है, यन इक्वल 22, क्योंकि कह रहा है 22 पदों तक 22, समझ में आ गया ना। आगे चलें, देखिए ये हो गया, फार्मूला में रख दीजिए खटाखट, दिक्कत नहीं है। यन का मान 22 रखा, बटा 2 into a, a मतलब पहला पद 5, और धन यन मतलब वही 22 माइनस 1, d का मान रखा 3। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैंने जो मान दिया था उसको रख दिया है बस, ठीक है ना, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं ना। देखते रहिए लास्ट तक, समझ में आने की पूरी गारंटी होगी, बस देखते रहिएगा, जाइएगा मत। आगे क्या करेंगे, 2 से काट दो भाई 22 को, 11 आएगा, और 11 को यहां लिख दो चुपके से, 2 × 5 ये हो जाएगा 10, धन 22 से घटा लेंगे 20 आएगा, और 20 का जब आप 30 में इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 में 20 दिया 60, लेकिन 20 आएगा तब ना, 22 से घटाएंगे 1 तो 21 आएगा, 21 में 3 में गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ये हो जाएगा 11 × 73, 73 कैसे आया पता हुआ, अरे 63 में 10 जोड़ दो 73 हो गया, इसको गुणा कर लीजिए, 11 × 3 = 33, 11 × 7 = 77, 3 = 80। इस तरह से आपका सम आ गया, यानी एस की वैल्यू क्या आया, 803। और अब आप इसे नोट कर लीजिए, फटाफट छाप लीजिए, आप लोग क्या मुंह ताक रहे हैं, आगे समझ में ना। ठीक है लिखिए जल्दी से, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट सवाल, जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अगर लिखना चाहते हैं तो तुरंत स्क्रीन पर टच करके रोक लीजिए, लिख लीजिए फिर प्ले करिए। देखिए पहला हो गया, अब आपकी इसी बुक में यानी कि कक्षा 10 एनसीईआरटी अभ्यास 5 के सी में पहला का 1 हो गया, पहला का हम डी बताएंगे, क्योंकि बी और सी खुद करेंगे आप,
क्योंकि अगर जब आप कोशिश करेंगे ना बाबू, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपका पक्का आएगा, लेकिन ट्राई करिएगा, ठीक है। तो देखिए दिवाले में हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा है और रूट देख के आपको ठंडी आ जाती है, तो देखिए आने ना पाए कैसे करेंगे। पहला पद जो दिया उसको लिख लो, सर्वांतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इसको मैं इधर करके दिखा देता हूं, रूट टू इंटू वन माइनस अंडर रूट टू से घटाना है रूट टू, देखिए कहा आता है, घटा लेते हैं कॉमन डिफरेंस आएगा इसका, जब रूट टू का वन में मल्टीपल होगा तो ये रूट टू हो जाएगा, माइनस रूट टू का मल्टीपल जब रूट टू में होगा, आप जानते हैं लोहा फिर लोहा टकराता है तो चिंगारी निकलती है, तो जब रूट टू का रूट टू में होगा तो ये चिंगारी निकलेगी, मतलब ये खत्म हो जाएगा अंडर रूट और आएगा दो, और ये माइनस अंडर रूट टू, ये प्लस ये माइनस कट गया, फाइनल में बचा यही बच्चा अकेला, समझ में आया ना, माइनस दो, तो ये हो गया माइनस दो, एन की वैल्यू अंतिम पद 21 दिया है, 21 रख दिया, बस हो गया, अब तो सब कुछ आ गया ना, सारे औजार तैयार है, लड़ाई बाकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान रख दीजिए इसी में एन का मान है 21, 21 बटा दो, और दो इंटू ए का मान है अंडर रूट टू, प्लस एन मतलब 21 माइनस एक, डी का मतलब माइनस दो, क्लियर ना, हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 21 बटा दो। अब इसका जब इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए गौर करिएगा, ये आएगा दो अंडर रूट दो, है ना, 20 से घटाएंगे कैसे आएगा, सॉरी 21 में से घटाएंगे 20 आएगा, और 20 का जब आप माइनस दो में गुणा करेंगे तो माइनस 40 आएगा, कितना आएगा, माइनस 40। और इस तरह से आप इसमें एक कार्य कर सकते हैं, वो क्या है समझिएगा, 21 बटा दो ऐसे लिख दीजिए, और आप इसमें से दो कॉमन ले लीजिए, देखिए दोनों में है, जब आप इसमें दो कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट टू माइनस 20, है ना, और ये दुई से दुई जाएगा कट जाएगा, फिर आपका बचेगा का, इधर देखिए जो बचेगा 21 बचेगा इंटू अंडर रूट टू माइनस 20 बचेगा, ये आपका यस का वैल्यू हो गया, यानी आंसर हो गया, मिला लीजिएगा आपके उत्तर माला वाला में दिया है कि नहीं दिया है, 21 इंटू रूट टू माइनस 20, ये हो गया 5C का पहला सवाल का डी वाला भाग, ठीक ना। अगर इसमें से कोई भाग आपको नहीं आता तो कमेंट करिएगा, नंबर पे सेंड करिएगा, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो आपको जरूर बताया जाएगा, और नहीं ज्वाइन किया ना बाबू तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। देखिए आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, जब तक हम बताएं तब तक इसको लिखिए, नहीं तो मुंह फैला के देखते ही रहे कि भाई क्या बोल रहा है, जरूर देखते हैं, लिखते रहिए जल्दी जल्दी से, वीडियो को रोक लीजिए, रोक के लिख लीजिए, ठीक ना। तो अगर आप कहीं भी करने जाएंगे तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ज्वाइनिंग चार्ज जो लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि सभी के एक सपने होते हैं ना, एक उम्मीद होती है ना, तो वैसे भी हमसे भी बहुत लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जो हमारे साथ में लगे हुए अपना सब कुछ छोड़ करके जो टाइपिंग कर रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं या फिर कुछ भी सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, उनकी सारी उम्मीदें हमारे ऊपर होती हैं और हमारी सारी उम्मीदें आपके ऊपर होती हैं। तो भाई अगर ज्वाइनिंग चार्ज जो कि केवल एक बार देना होता है, मात्र 500 रुपीज देना होता है केवल एक बार, अगर इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कहीं मिल जाए तो ले लीजिए। अगर रियल में देखा जाए सच्चाई, तो हकीकत में दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलता है, यहां तक कि मिट्टी भी फ्री में नहीं मिलती बाबू, पानी भी नहीं मिलता आजकल, है ना। तो ये क्लास जो आपको दी जाती है, हमारा उद्देश्य होता है कि आपको फ्री मिले, लेकिन इसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं मैनेज करने में, तो आप अगर एक बार थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो उसमें शायद कुछ बुरा नहीं है। अगर आप कहीं कोचिंग में जाएंगे तो आपको 500 रुपए हर महीने देना होगा, यानी कि 12 महीने में आप 6000 रुपए लगभग देंगे, और यहाँ 500 रुपए, 600 भी नहीं हो रहा है, फिर भी मुश्किल, वो भी अपने घर से पढ़ेंगे, अपने बेडरूम से बैठ के पढ़ेंगे, अपने बाग बगीचे खेत खलिहान ट्रेन में कहीं भी पढ़ेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, इससे ज्यादा तो ऑटो का किराया हो जाता महीने में, है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के सवाल आते हैं इस तरह से, तो आप सोच विचार लीजिए आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित मनोहर प्रकाशन की बुक के अनुसार अभ्यास 5C का क्वेश्चन नंबर सेकंड, श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपने पहला सवाल देख लिया, अब देखिए दूसरा सवाल,
अभ्यास पांच सी मनोहर प्रकाशन की बुक के अनुसार पांच सी का दूसरा सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा सवाल आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे जो दिया, पहले लिख लीजिए। पहला पद ये दिया है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर 2, यानी कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं, 1/12 से 1/15 घटाएंगे। आप जानते हैं 15/12 का एलसीएम 60 आएगा, ये जब 12 से भाग करेंगे 60 में 5 आएगा, 15 से करेंगे तो 4 आएगा, फाइनल में 1/60 आएगा। समझ गए ना, अगर भिन्न नहीं आता ना तो कमेंट करिएगा, आप जीरो लेवल क्लास देखिए। फाइनल में 1/60 आया डी का मान, 1/60 एन का मान दिया है लास्ट वाला पद, ठीक है। यस इक्वल फार्मूला लगाएंगे, यहां लिख दीजिए चूंकि, तो हो गया इसलिए 11 पदों तक का योगफल, यस इक्वल एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हो गया ना। मान रख दीजिए 11 एन का मान है 2, a का मान है 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, डी का मान का है 1/60, रख दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। हल कर लीजिए 11/2, ये हो जाएगा 2 × 15, इसको ऐसे लिख दीजिए अभी बिना कुछ करे, फिर देखिए प्लस ये घटेगा इसमें से 10 आ जाएगा, 10 × 1/60 का मतलब जान रहे हैं 1/6 आएगा, 1/6 रख दीजिए इस पूरे की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/6। नीचे देखिए इसको ऐसे उतार लीजिए, ये हो जाएगा 2/15 धन 1/6। अब यहां इधर साइड हल कर लीजिए, 15 और 6 का अगर आप लासा निकालेंगे एलसीएम तो कितना आएगा, जल्दी से करके बताइए। 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा लगभग ना, अगर कुछ गड़बड़ है तो बताइएगा, 30 आएगा। तो ये हो जाएगा फाइनल में 11/2, एलसीएम 30 आएगा, 30 में जब आप 2 से भाग करेंगे 15 से, तो 15 × 2 = 30 है ना, 30 में 15 का भाग करेंगे 2 आएगा, 15 × 2 = 30, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर प्लस जब 30 में आप 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे 30। ये भिन्न हल करने का तरीका है, अगर आपको भिन्न हल करना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, क्योंकि बिना फ्रैक्शन के सलूशन के आपको ये नहीं आएगा। अब ये 11/2 हो गया, और ये हो गया 9/30, ठीक है, गुणा कर लीजिए 11 × 9 = 99 और 2 × 3 = 6 99/60 आएगा, कितना आएगा ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है, इसे आप काट दीजिए अगर कुछ भी कट रहा है तो, कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा ना, काट दीजिए 3 से, 3 × 9 ये 20 आ जाएगा, यानी 33/20। आप चाहें तो इसे इधर भी काट सकते थे, 3 से 3 × 9 = 3×30 कोई फर्क नहीं पड़ता, 33/20 आएगा। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए तुरंत, रोक लिया ना आपने, अगर नहीं रोका तो तुरंत रोक लीजिए वीडियो को, लिख लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए, जल्दी करें। देखिए अगर आप ये क्लास मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पीवीआर स्टडी पर देख रहे हैं तो मैथ आसान है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी मैथ आसान हो सके। इसके अलावा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप पीवीआर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें, फेसबुक पेज पर आपको कंप्लीट मैथ का कोर्स मिल जाएगा वीडियो में, जी हाँ जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं ऐसे फेसबुक पर, तो इसे अवश्य करिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, आपको बिल्कुल तरीका सभी बता दिया जाएगा किसा बिना किसी टेंशन के। और एक बात, फेसबुक पर आप बिल्कुल फ्री में कोर्स पा सकते हैं, कंप्लीट जो भी है इसमें उपलब्ध यूट्यूब में उसका कई गुना ज्यादा वहां पे है। और इन नंबरों पे संपर्क करिए अगर कोई हेल्प चाहिए तो, जो हो सकेगा
हमारी टीम के द्वारा आपका पूरा हेल्प किया जाएगा स्टडी से संबंधित, बस बाकी और नहीं। और ये वेबसाइट नोट कर लीजिए pvrstudy.com, इस पर आप अपनी कोई भी पढ़ाई से संबंधित बात को शेयर कर सकते हैं और हर प्रकार की स्टडी से संबंधित हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। pvrstudy.com याद रखें, विजिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, फिर से मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए देखते रहे आपका अपना पीवीआर स्टडी। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ चलते चलते याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।